इतनी ये बदतमीज है ना, कह रही है तुमने ये वाला मास्क क्यों लगाया है, तुमने तो ब्लैक वाला लिया था। मैंने कहा पहले भी मेरा ब्लैक ही था, तो मैंने दोनों, रमजान है मेरे साथ लड़ाई ना करो, तो मैंने दोनों अपने लिए लिए थे, तुम्हारे लिए थोड़ी लिया था पागल, तुम्हें लगा मैंने तुम्हारे लिए लिया। मुझे यही लगा था, तुम्हारे पास ऑलरेडी तीन मास्क है, तीन क्या करूं, क्यों क्यों एंड बात ना करो। ये अभी वीडियो बना रही थी, खत्म हुई नफरत दिल की, खाना और ढिमकाना, और अभी और अभी मैं इससे लड़ रही हूँ बदतमीज। तो क्या है, बहनों की लड़ाई ना चलती रहती है ऐसे ही, ज्यादा शौकी ना बनो अपने आप में, चलो अपनी बदतमीजी ना करो। मैं पता नहीं क्या बता रही थी, हाँ मैंने कहना था कि ये इस बहुत बजी रमजान के बारे में कुछ कह रही थी, मतलब रमजान के बारे में ब्लॉग बना रही थी, तो मैं सोचा कि मैं भी कुछ कहती हूँ रमजान के बारे में। रमजान के बारे में क्या मतलब, मतलब रमजान मुबारक और ये वो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की जानिब से रमजान मुबारक, बस ये कहा है मैंने, और भी तुमने कुछ कहा है मेरे ख्याल से, पता नहीं, बट आई वॉज बिजी समवेयर तो ये व्लॉग बना रही थी, लेकिन इसने कुछ तो कहा है व्लॉग रमजान के बारे में, मुझे कहना नहीं आया। अच्छा डिलीट कर दिया, इतनी पागल है ना, दो तीन बार व्लॉग बनाती है तभी से जाके एक सही बनता है, चल जाए पागल छुट्टी हर बार तुम ऐसा होता। अच्छा तो मैं ये कहना चाहती थी कि आप सबको मेरी तरफ से रमजान बहुत बहुत मुबारक हो, और मैंने ये कहना था कि वैसे आप लोग जितने भी लोग हमारे व्लॉग देखते हैं सबको बेशक चाहे सर्दियां पसंद हो, लेकिन रमजान का मजा तभी आता था जब रमजान गर्मियों में आता था, और अब तो रमजान ऐसे होता है कि ऐसे आया और ऐसे चला गया। वैसे ना मैं भी यही बात कह रही थी कि वैसे गर्मियों में ना एक मंथ एटलीस्ट रमजान में ऐसा गुजर जाता था, मतलब इंसान को जैसे रमजान की एक खुशी होती है ना, एटलीस्ट गर्मियों का वो एक मंथ ना बिना किसी टेंशन के गुजर जाता, हंसी खुशी मतलब गुजर जाता था, हमें पता होता था कि रमजान है मतलब अच्छा गुजर जाएगा, लेकिन अब मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि रमजान अभी से आके चला जाएगा और गर्मियां हम कैसे गुजारेंगे, मतलब गर्मियां इसके लिए और ज्यादा बोरिंग हो जाएंगी, बहुत ज्यादा बोरिंग होने वाली है इस साल तो कुछ ज्यादा ही। लेकिन वैसे सही बात है, रोजा रखने का भी तब मजा आता था जब प्यास लग रही होती थी और भूख की शिद्दत भी होती थी, प्यास की शिद्दत उससे ज्यादा होती थी, और अब तो बस ऐसे लगता है ये हमने रोजा रखा और ये खुल गया, कोई मजा नहीं आता, ना रौनक होती है, सन्नाटा हमारी गली में बिल्कुल। और पहले ऐसे होता था कि जैसी तरावियां होनी शुरू होती थी पूरी गली में हमारे रौनक होती थी, और हम भी ऐसे गलियों में भागे फिरते थे, खैर जब छोटे थे, अब बड़े भी हो गए हैं ये अलग बात है, लेकिन फिर भी मजा हमें तभी आता है जब रमजान गर्मियों में आता था, अब इतना कोई खास मजा नहीं आता। और पिछले साल का रमजान तो ऐसे गुजरा है, बल्कि काफी ज्यादा पोस्ट भी मैंने देखी थी कि ये वाला जो हमारा जिंदगी का रमजान था ना बहुत जल्दी गुजर गया, मतलब ऐसे लगता है जैसे अभी आया था और अभी चला गया, मतलब इस जनरेशन का जो, मतलब इस जनरेशन के लिए ये फर्स्ट टाइम आ रहा है ना विंटर्स में रमजान, तो इसलिए लोगों को ज्यादा ये इतना लगता है कि ऐसे आया और ऐसे चला गया, जैसे बहुत ज्यादा छोटा था ये महीना। जो पुराने लोग थे ना उन लोगों के लिए सर्दियों में पहले आ चुका है जा चुका है, इस वजह से उनको इतना फील नहीं होता। बट मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में ना गर्मियों में रमजान है, मुझे बहुत शौक है गर्मियों में रमजान। अब तो सिर्फ समर में, अब तो सिर्फ विंटर्स में आया करेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता विंटर्स में चलेगा, इनफैक्ट जनवरी में भी आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा दिसंबर में भी आएगा, तो अब तो जाहिर सी बात है 10-10 दिन, और जब तक गर्मियों में आएगा जब तक सुमैया ने फोर्थ हो जाना है, आज तक फिर अल्लाह ना करे बदतमीज। वैसे यार आई वॉज थिंकिंग कि हमें किस तरह से व्लॉग बनाना चाहिए, मतलब रमजान है तो फिर सहरी से स्टार्ट करें और फिर अफतारी में आई थिंक हमें खत्म करना चाहिए व्लॉग, क्योंकि हम एक व्लॉग एक्स्ट्रा बना के रखते हैं, क्योंकि हम जिस तरह सुबह की रूटीन दिखाना शुरू करते हैं तो हमें रात हो जाती है, और व्लॉग हमने अपलोड करना होता है 7 से 8 के दरमियान, तो इस वजह से हम एक एक्स्ट्रा बना के रखते हैं, मतलब एक दिन पहले का, तो उस लिहाज से हम पूछ रहे हैं, जैसे मतलब हम रमजान तो कल से स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब अभी तो टाइम भी क्या टाइम हुआ है, लेकिन जब आप ये व्लॉग देखेंगे तब पहली इफ्तारी हो चुकी होगी। हाँ ये कहने का मतलब है कि अब पहली इफ्तारी तो गुजर चुकी होगी ना, तो हमें कैसे व्लॉग बनाना चाहिए, मतलब हमारा जो पहले रोजे का व्लॉग होगा ना वो आपको सेकंड रोजे को मिलेगा, है ना। हाँ इसी तरह ही होगा, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 11-12, यही टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं आई थिंक, तो हम इस व्लॉग का एंड कर देंगे 12 या 1 बजे तक, क्योंकि अब हमने सारी रातें जाके गुजारा करनी है, रमजान में हम लोग रात को सोते नहीं है, फजर पड़ के उसके बाद सोते हैं, फिर जोहर टाइम उठते हैं, और फिर सारा दिन हमारा काम में गुजर जाता है, और इस तरह हमें रोजे का पता भी नहीं चलता। हाँ जी बिल्कुल, तो हम इसी तरह करेंगे, बस मैंने सोच लिया कि अभी हम इस व्लॉग का एंड करेंगे 1-2 बजे, और फिर हम सहरी में व्लॉग बनाना स्टार्ट करेंगे, और उस व्लॉग का एंड करेंगे हम क्या कहते हैं अफतारी के बाद, इसी तरह क्या करेंगे अब हम, ठीक है ना। बस ठीक है,
हाँ ठीक है, चलो हमने यही फैसला किया है। फैसला देखो, वैसे ही मुझे ना आज की वीडियो जो है ना व्लॉग कम लग रहा है, मतलब व्लॉग लग ही नहीं रहा, ये छोटी सी एक वीडियो है, हमारा लेक्चर है, लेक्चर नहीं है। हमारी तरफ से आप लोगों को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद है हमारी तरफ से, और अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर दीजिएगा। बस आप लोगों ने ये कहना है कि इन लड़कियों का ना इस रमजान में बस चैनल की मोनेटाइजेशन हो जाए, बस मोनेटाइजेशन हो जाए और कुछ भी नहीं चाहिए, मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो जाए, मतलब 4K वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए हमारा, वो कंप्लीट हो गया ना तो समझो हमारी थोड़ी टेंशन जो है ना खत्म हो जाएगी, फिर तो चाहे जब मर्जी हमारी अर्निंग स्टार्ट हो उससे हमारा कोई मतलब टेंशन नहीं होगी हमें, बस मोनेटाइजेशन हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना मोनेटाइजेशन है, बस हमें उसकी ज्यादा टेंशन है। तो आप सबने अफतारी से पहले खासतौर पर मैंने सुना है कि अफतारी से पहले जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है, दस्तरखान पे बैठ के आप सबने हमें अपनी खसूसी दुआओं में याद रखना है और हम भी आप लोगों को याद रखेंगे। हाँ जी, अल्लाह ताला, वैसे मैं आप सबके लिए मैं वैसे भी दुआ करती रहती हूँ, अल्लाह ताला हमारे स्पेशली व्यूवर्स जो है हमारे जो डेली वॉच करते हैं, जो डेली वॉच करते हैं, स्पेशली वो लोग जो डेली व्लॉग्स वॉच करते हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी के हर नेक मकसद में कामयाबी अता करे, आमीन सुमा आमीन। तो मैं आप सबके लिए यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल करे और आपको हर नेक काम में कामयाबी अता करे, आमीन सुमा आमीन मौलानी साहब। सो गाइस आज का व्लॉग बस हम इधर एंड करते हैं, नहीं अभी तो नहीं करना था, 12-1 बजे करना था, शायद कुछ हो तब तक इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए, तो अभी नहीं एंड करते। तो अभी मैंने व्लॉग एडिट किया तो वो माशाल्लाह से हमारा लेक्चर जो था ना 5 भी नहीं 6 मिनट से ऊपर जा चुका है, और हमारे मोबाइल में स्टोरेज भी बार बार आ रही है, जिसकी वजह से मैंने सोचा हम व्लॉग का एंड यहीं पे कर देते हैं, अपना नेक्स्ट व्लॉग हम शुरू करेंगे शहरी से। तो बस इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड, आई होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, जरूर पर नहीं हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, अभी के लिए दीजिए इजाजत। इतनी बदतमीजी मुझे दिखाई नहीं रही, मैं किस तरह से तैयार होकर बैठी हूँ कि मेरे पास मुझे इसी चीज पे हंसी आ रही है कि मैं व्लॉग का एंड कर रही हूँ, बेचारी सुमैया तैयार होकर बैठी है कि ये मेरी तरफ कैमरा कब करेगी और मैंने इसकी तरफ कैमरा रोटेट ही नहीं किया। अब नहीं मैंने कुछ बोलना, दफा हो दो। तो ना बोलो, मेरे साथ बोलना था, अपने फैंस के सामने बोलना था, मेरे लिए नहीं बोलना था, चलो दफा हो जाओ फिर। तो बस गाइस आज का व्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं, आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो ये सब्सक्राइब जो है ना जल्दी में बोला नहीं जाता। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, अभी दीजिए इजाजत, अपनी खास 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 बहुत खास दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।